चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि 1 बटे सेक थीटा बराबर में क्या होता है। तो 1 बटे सेक थीटा बराबर में आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो आपका कॉस थीटा जैसे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। बोल रहा है कि कॉट एक्स इंटू टेन एक्स बराबर में क्या होता है। तो 1 हो जाता है, 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोल रहा है कॉस थीटा बराबर में 1/2। क्वेश्चन नंबर 21 कॉस थीटा बराबर में 1/2, तो कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है, तो कॉस से कॉस खत्म, तो थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। पूछ रहा है आपको कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, तो कोसेक 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा 2/√3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है से आपका सही आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 22 में। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि थीटा बराबर में 45 डिग्री है, तो सेक 45 यानी कि बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो सेक 45 यहाँ पे रख देंगे प्लस में कोसेक 45 रख देंगे, तो सेक 45 का मान आपका हो जाएगा क्या चीज, √2। और कोसेक 45 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, √2, तो आपका क्या हो जाएगा, 2√2। ये आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। क्वेश्चन नंबर आप 23 को देख लेंगे। 23 में क्या बोल रहा है, इसे √3 tan A बराबर है। √3 tan A बराबर में आपका -3 बराबर में क्या है आपका, 0। तो tan √3 tan A बराबर में क्या कर दीजिएगा, 3, इधर माइनस में था उधर गया है तो प्लस में, tan A बराबर में 3/ क्या हो जाएगा, √3। tan A बराबर में 3/√3 परिमेयकरण कर दीजिएगा, √3/√3, तो tan A बराबर में 3√3। ये देखिएगा √3 से √3 में गुना करेंगे, 3 3 से 3 कैंसिल, आपका आ जाएगा tan A बराबर में 1/√3। 1/√3 अगर ऑप्शन में है तो सही है, और नहीं तो फिर आप ऐसा करें कि tan A बराबर में tan यहाँ पे आप कितना कर दीजिएगा, 30, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है, tan से tan खत्म, A बराबर में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये आगे देखेंगे, बोल रहा है सेक 35 डिग्री और कोसेक 55 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। इस टाइप से आते हैं तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे छोटा सा घर बना रहे हैं, इस घर में ही देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 24। बोल रहा है सेक 35 बटे का कोसेक 55, इसका आपका स्क्वायर है। तो आप एक चीज ऐसा करें कि एक को चेंज कर दें, सेक 90 माइनस का 55, और 90 में से 55 जाएगा, 35 आ जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, बटे का आपका कोसेक 55 है तो 55, इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये वाला देखिएगा घर को बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, अब जब कीजिएगा तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक 55 बटे का कोसेक 55 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये कटेगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में 1 आंसर हो जाएंगे आपको, इस टाइप से बनेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। बोल रहा है कि साइन 30 का वैल्यू है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का देखेंगे। बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। जैसे आप देखिए
वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या करते थे, साइन स्क्वायर थीटा। तो चीज वही है, इसको आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन कर लेंगे माइनस का, वन माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, वही चीज आ गया ना, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, बोल रहा है कि साइन अल्फा इंटू में कॉट अल्फा बराबर में क्या हो जाएंगे, कॉट अल्फा। तो साइन अल्फा है तो साइन अल्फा इंटू, इसको तोड़ेंगे तो कॉस अल्फा बटे का क्या हो जाएगा साइन अल्फा, साइन से साइन खत्म, क्या बच जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है आपके। आगे आपका बोल रहा है क्या चीज, वो देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक 60 के बराबर है, कोसेक 60 देखिएगा, कोसेक किस नंबर कितना है 28, कोसेक 60 डिग्री बराबर में आपका होता है 2/√3, तो इसके आपका बराबर में आ जाएगा सेक 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये दोनों आपका सही बराबर है। तो बराबर में आपका कौन है सेक का वैल्यू, जैसे आपका ऑप्शन ए वाला मिल रहा है तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, 29 में क्या कह रहा है इसे बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएंगे, देखिएगा सॉरी साइन नहीं बोल रहा है, सेक स्क्वायर बोल रहा है, सेक स्क्वायर 60 माइनस में टेन स्क्वायर 60 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होते हैं 1, तो थीटा के जगह पे आपका 60, तो दोनों आपका मान बराबर है तो 1, या आपका बाहर में 1 दिया हो तो 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हिसाब का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे, बोल क्या रहा है से, यदि 1 मीटर ऊंचे खंभे छाया की पृथ्वी, ये बहुत लंबा है, अगले सेशन में इसको हम सब्जेक्टिव जब बताएंगे तो बता देंगे। बोला कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, निर्देशांक जैसे प्रतिच्छेद दोनों जहां पे काटते हैं तो इस बिंदु को जैसे मूल बिंदु कहा जाता है, कौन सा बिंदु कहते हैं मूल बिंदु, तो मूल बिंदु जो हिसाब का कौन सा है ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हिसाब का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि मूल बिंदु से पी ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा मूल बिंदु से आपका क्या होता है भुज का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या होता है वाई का स्क्वायर, तो आपका दिया हुआ है क्या चीज एक्स के जगह पे आप डायरेक्ट क्या रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, और वाई के जगह पे क्या आप रख दीजिएगा कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है तो अंडर रूट, ये दोनों का बराबर क्या होते हैं 1, तो 1 हो जाएंगे, रूट से बाहर निकालोगे 1, यानी 1 आपका कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है बाबू 1 इकाई, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 31 था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है से बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होंगे, तो प्रथम चतुर्थांश में जैसे आपका प्लस का होना चाहिए, तो इसमें दोनों जो आपका वैल्यू दिया है प्लस में ऑप्शन नंबर ए का दिया है, बाकी सब आपको प्लस और माइनस कर दिया, यानी 10 और 4, बाकी जो इसे आपका क्या चीज में है माइनस में है, तो माइनस वाला आपका यूं ही नहीं होगा, यह आपका प्रथम चतुर्थांश में आते हैं, जब आप ग्राफ पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा। बोल रहा है कि बिंदु 5 और 6 की वाई अक्ष की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए, तो वाई अक्ष की लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए वही कीजिएगा आप एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मूल बिंदु से, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में क्या कर दोगे 6 का स्क्वायर, रूट है तो रूट 5 25 प्लस 6 6 36, ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका
छः पाँच ग्यारह का एक, तीन दो पाँच और एक छः, रूट एक साथ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है से इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको राइट साइड में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसके बाद में वहीं पे आपको आ जाएंगे। आगे देखिएगा क्या कह रहा है इसे।